विद्यार्थियों, नए शैक्षिक सत्र में आपका स्वागत है। हम आज भूवैज्ञानिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है इसका अपना एक इतिहास है। वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि पृथ्वी का जो इतिहास है वो लगभग 350 मिलियन पूर्व वर्ष माना जाता है। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास की गणना करने के लिए दो इकाइयों का उपयोग किया है। एक इकाई है समय, टाइम, और दूसरी इकाई है परत, स्ट्रेटा। तो हम आज जानेंगे कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ और वर्तमान तक कितने इस समय में पृथ्वी को किस प्रकार से विभक्त किया गया है। तो इतिहासकारों ने धरती के इतिहास को मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा है। पांच भागों को पांच महाकल्प नाम दिया गया है, यानी फाइव एरा। इन पांच महाकल्पों के नाम हैं आर्कियोजोइक महाकल्प, प्रोटीरियोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प और सीनोजोइक महाकल्प। प्रथम के जो दो महाकल्प हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीरियोजोइक, इन दोनों को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व शुरू होता है और सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं ए सी सीवर्ड। उन्होंने अपनी पुस्तक प्लांट लाइफ थ्रू एजेज में यह बताया कि यह जो महाकल्प था इसमें शैवालों का उद्गम हुआ था, अर्थात जो वनस्पति है वो शैवालों के रूप में इसमें पाई जाती थी। धीरे धीरे जो शैवाल हैं विद्यार्थियों, वो अन्य जो जटिल वनस्पतियां हैं उनमें परिवर्तित होते चले गए और आज की जो वनस्पति है ये हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। हम एक एक महाकल्प के बारे में जानेंगे कि किस किस महाकल्प में किस किस वनस्पति का किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोजोइक महाकल्प की। नोल नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि आर्कियोजोइक महाकल्प के अवसादों में पाए जाने वाले स्ट्रेमेटोलाइट सूक्ष्म जीवाणुओं के अवशेष रहित पाए गए। इस महाकल्प में यूबैक्टीरियम, क्रूकोकस, नीलहरित शैवाल, ओसिलेटोरिया आदि तंतुओं के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा जो महाकल्प है विद्यार्थियों, वो है प्रोटीरोजोइक महाकल्प। प्रोटीरोजोइक महाकल्प जो है ये टेलर और परगुन नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस महाकल्प में एनीकिया नामक एक बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल हैं, गनफ्लीशिया जो रसायनोचली लो उत्पादक जीवाणु हैं आदि के मिलने के प्रमाण मिले हैं। इस महाकल्प में वाउचीरिया, क्लेडोफोरा और कुछ कूमाइसिटीज कवकों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प का जो काल है वो 280 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है। इसको कई कालों में बांटा गया है, यानी जो पेलियोजोइक महाकल्प है इसको वापस से कालों में बांटा गया है। जैसे इसके प्रमुख काल हैं कैम्बियन जो 280 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन आदि। इन कालों में इसको विभक्त किया गया है। कैम्बियन काल से पहले आवर्तबीजी वनस्पति के अलावा सभी पादपों का आगमन इस काल में हुआ है।
कैम्बियन काल में वातावरण काफी गर्म था और समुद्र में पाए जाने वाले नीलहरित शैवाल, लाल शैवाल और समुद्री जो कुछ जीव है उनके अनुकूल था। यानी इस काल में भी केवल शैवालों का ही उद्गम हुआ है। इसके ऑर्डोसीवियन जो काल में है वो शैवाल विकसित हुए। कैम्बियन और ऑर्डोसीवियन काल में जलीय शैवालों पर विकसित एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य विकसित हुए। कुछ फॉसिल्स पादप भी इसे कैलीजाइलोन न्यूबेरी, कैलीजाइलोन इरियनम आदि की उपस्थिति के प्रमाण भी इस काल में देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, इसी काल में कुछ अन्य पादप भी विकसित हुए होंगे। इस काल में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 2% थी जो केवल समुद्री जीवों के अनुकूल ही थी। यानी इस समय तक केवल समुद्री जीवन ही पाया जाता था, स्थलीय जीवन नहीं पाया जाता था। ऑक्सीजन की अधिकता व ओजोन की रक्षात्मक परत स्थलीय पादपों के लिए आधारभूत आवश्यकता है जो उस काल में नहीं थी। यानी इस काल में स्थलीय पादपों स्थलीय जंतुओं के अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। वृक्षकाय टेरिडोफाइटा कार्बोनिफेरस युग में अधिकता से पाए गए और उस काल को सीड फर्न युग भी कहा जाता है। यानी कार्बोनिफेरस काल को क्या कहा जाता है, फर्न यानी टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों मीसोजोइक महाकल। मीसोजोइक महाकल का जो काल है वह 65 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व का था। इसमें वृक्ष रूपी टेरिडोस्पर्म विलुप्त होते गए। इस काल में टेरिडोफाइटा भी धीरे धीरे विलुप्त होते गए क्योंकि ये आर्द्रता में अधिक उगते थे और इस समय आर्द्रता कम होती जा रही थी। इनका स्थान जिम्नोस्पर्म ने ले लिया। यानी जिम्नोस्पर्म कब विकसित हुए, मीसोजोइक महाकल में, ठीक है। और इसी दौरान एंजियोस्पर्म जातियों का भी आगमन हुआ लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इसमें जिम्नोस्पर्म का स्थान एंजियोस्पर्म धीरे धीरे लेते गए और एंजियोस्पर्म के कुछ कुल जैसे मोरेसी है, ओलेरियसी है, लॉरेसी, सेलिकेसी, सेपेंडेसी आदि जातियों की संख्या में इस काल में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है सीनोजोइक महाकल। सीनोजोइक महाकल अपन मान सकते हैं कि सबसे जिसको कहें नवीन महाकल्प है। सीनोजोइक महाकल्प में विद्यार्थियों जो इतिहास है वह 25 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व है। सीनोजोइक महाकल्प को ही आवर्तबीजी युग कहा जाता है। इस काल में जो पर्वत बर्फ से ढके हुए थे, गर्म हवाओं के कारण बर्फ पिघलनी शुरू हुई, स्थल में नमी का प्रभाव ज्यादा हुआ यानी स्थलीय पादपों का विकास हुआ और इस में जो आवृत बीजी हैं एंजियोस्पर्म पादप हैं उनका भी अधिक विकास इसी में हुआ क्योंकि इस युग में ही आवृत बीजी जो पादप हैं वो स्थल की ओर आना शुरू हुए थे। तो इस प्रकार से जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है इसके बारे में हमने जाना। इनके नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कॉलेज के चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।